बहुत सालों से रियल स्टेट इंडस्ट्री में और सोच रहे कि रिसर्च ये वर्ड आज तक रियल स्टेट में आपको समझ में नहीं आया। रिसर्च होती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, क्यों रिसर्च जरूरी है रियल स्टेट में, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, एंड तक जरूर देखिए। डॉक्टर मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल स्टेट ट्रेनर एंड कोच, रियल स्टेट एंटरप्रेनर, आपके लिए इस वीडियो में वो चीज़ें लेकर आए हूँ जो शायद आज तक कभी रियल स्टेट इंडस्ट्री में ना किसी ने बताई है ना किसी ने समझाई है। वो है कि एग्जैक्ट रिसर्च में रियल स्टेट में करना क्या पड़ता है, और मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको। पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के दौरान कई बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज, कई लोगों से इंटरव्यू लेने के दौरान, पीएचडी की रिसर्च के दौरान, मेरी बुक की रिसर्च के दौरान ये चीज़ें हमारे सामने आई कि एक कस्टमर आपके प्रोजेक्ट में क्या एक्सपेक्ट करता है, और जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके प्रोजेक्ट को यहाँ से इस लेवल पे, ग्रोथ की लेवल पे अगर यहाँ है आप तो इस लेवल तक ले जा सकते हैं, वो 3 पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो रिसर्च में बहुत ज़रूरी है आपको देखना, क्योंकि बिना रिसर्च के, बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप अपने प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये वीडियो इन डेप्थ में आपको बताएगा कि रियल स्टेट में रिसर्च का क्या रोल है और क्यों रिसर्च के बिना आपका प्रोजेक्ट जल्दी फिजिबल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनिए, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग अ रिसर्च इन रियल स्टेट इज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी चेक करना। क्या है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, कैसे चेक की जाती है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी? प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का सिंपल मतलब है कि अगर आप कोई लैंड बाय कर रहे हैं फॉर टाउनशिप, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर डेवलपमेंट, और लैंड का कॉस्ट है मान लीजिए 25 CR का, अगर वो लैंड टोटल 25 CR का है तो आपके कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की जोड़ने के बाद, सेलिंग की कॉस्ट जोड़ने के बाद, अदर एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद, सब कुछ टोटल करने के बाद उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, आपके एक्सपेंसेस, पूरे एक्सपेंसेस को टोटल करने के बाद जब टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में से जो आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है माइनस करते हैं, तब जाकर आपको ये पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो सकता है, 20% का, 30% का, 50% का, या सिर्फ 5% का। प्रॉफिट की रेंज कुछ भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके पॉकेट को देखते हुए वो प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल है, तभी आप उस प्रोजेक्ट में जाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो लैंड 25 करोड़ का है तो ही शुरू कीजिए, आप इनिशियल लेवल पे हैं, आप एक 2 करोड़ का लैंड लेकर भी एक छोटा फ्लैट स्कीम, 6 फ्लैट, 8 फ्लैट, 10 फ्लैट का लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आपकी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी आपको क्लियर नहीं है, आपको टोटल एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, कौन से लगते हैं, कौन से स्टेप पे लगते हैं, ये नहीं पता, तो आप एक, आपको मन में अच्छा लग रहा है इसलिए आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, इसी वजह से कभी कोई सक्सेसफुल नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, कोच की मदद लीजिए, लेकिन बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के प्रोजेक्ट में आगे मत बढ़िए। बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में करोड़ों अरबों गंवा दिए, मैं कितने केस स्टडीज एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ, और आगे वीडियो में हम ऐसी स्टोरीज लेकर आएंगे जिसमें बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, बिना प्रॉपर रिसर्च के लोगों ने शुरू कर दिया और उनके लाखों करोड़ों रुपए डंप हो गए। तो मैं नहीं चाहता ऐसा आपके साथ हो, इसलिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट विच इज़ रिलेटेड विद, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग अ रिसर्च इन रियल स्टेट इज सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड फैसिलिटीज। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जहाँ आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसका सराउंडिंग एनवायरमेंट कैसा है, वो कितना फिजिबल है, कस्टमर अगर कल वहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या ऐसे लैंडमार्क्स है, प्रोजेक्ट्स है जो उसके सराउंडिंग में आने वाले हैं, उसकी सराउंडिंग में कैसा एनवायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, सब जगह से वहाँ जाना कितना पॉसिबल है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट स्कूल, नियरेस्ट कॉलेज, सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर आपका कस्टमर रात को 2 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो आपके प्रोजेक्ट तक पहुंचना फिजिबल है, नहीं है। रेलवे स्टेशन में पहुंचता है तो क्या आपके प्रोजेक्ट तक वो समय पे आ सकता है, क्या उसे कोई रिस्क के बिना वहां तक पहुंचना पॉसिबल है? देर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको ये ध्यान देना, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो इस बात का ध्यान देना। पॉइंट नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग अ रिसर्च इन रियल स्टेट इज लीगल डॉक्यूमेंटेशन। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। हाँ दोस्तों, कैसे ये एक पॉइंट ने करोड़ों अरबों रुपए हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में लोगों के, इन्वेस्टर्स के पूरी तरह से डुबा दिए। मैंने क्या कहा, डुबा दिए।
जब आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रिसर्च ठीक नहीं होता है, आपकी लीगल टीम, लीगल डिपार्टमेंट में ड्यू डिलिजेंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको पूरी तरह से नहीं पता कि हर डिपार्टमेंट का हर पेपर आपने चेक किया, आपके एडवोकेट ने चेक किया, दो बार क्रॉस चेक हुआ, तब तक आप उस प्रोजेक्ट को फाइनल करने का बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि अगर एक भी क्वेरी आपके माइंड में है, पेपर पे है, और अगर वो चीज़ क्लियर नहीं हुई और आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और आपने सोचा कि मेरी तो इतनी पहचान है, इतनी पावर है, इतने कनेक्शंस है, मैं तो इजीली ये डॉक्यूमेंट ला लूँगा, और एंड में ये हो जाता है कि आपने अपना 50 करोड़ डंप कर दिया, अब उस लीगल पेपर, उस लीगल डॉक्यूमेंट के वजह से आपका प्रोजेक्ट रुक गया। आप इतिहास उठाकर देखिए दोस्तों, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसीलिए रुक गए क्योंकि सही लीगल ड्यू डिलिजेंस प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले नहीं किया गया। सो लीगल डिपार्टमेंट, लीगल वेरिफिकेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अगर आप सच में प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहते हैं, अगर आप एक गिवर एटीट्यूड से बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सच में ये चाहते हैं कि मेरे कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिले, तो आपका लीगल रिसर्च, लीगल ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनी इसलिए डूब गई क्योंकि उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग था, उनका मैनेजमेंट भी स्ट्रांग था, लेकिन लीगल डिपार्टमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं था। लीगल डिपार्टमेंट का नॉलेज न होने की वजह से प्रोजेक्ट्स तो ले लिए, प्लॉट्स भी बेच दिए, फ्लैट्स भी बेच दिए, लेकिन अब कस्टमर परेशान कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्री नहीं लग रही है। जो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है वो मेरी बातों को बहुत समझ पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है, मैं ये जानता हूं। दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है कि लीगल ड्यू डिलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक डिटेल में वीडियो मैं लेकर आऊँगा सिर्फ लीगल के ऊपर आगे जाकर आपके लिए, ताकि हमारे हर क्लाइंट को, हर कस्टमर को ये पता रहे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सफलता के क्या पॉइंट। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप किसी भी वैल्यू एडेड कंटेंट पे हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो रियल एस्टेट का देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।